पर्यटन नगरी खजुराहो के मुख्य बाजार में फुटपाथ के दोनों तरफ छोटे छोटे दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ खजुराहो के मुख्य बाजार में भारी पुलिस बल के साथ बाजार में निकला। पर्यटन नगरी के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से नगर परिषद खजुराहो के कर्मचारियों के द्वारा अतिक्रमण में रखी दुकानों का सामान जब्त कर साथ ले गए, जिसके कारण कई दुकानदारों में रोष देखा गया। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते बाजार में अफरा तफरी देखी गई। कुछ दुकानदारों ने अपना सामान स्वयं ही हटाना शुरू कर दिया। नगर पालिका ने चलना दिया है, किसी एक के पास मिला। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है सर, नगर परिषद का ये कार्य होता है कि पहले यहाँ के गरीबों को स्थापित किया जाए, उसके बाद फिर उनको उठा दिया जाए। चाहे बताया सर, ये तरीका है सर। वही तो कब किसको स्थापित किया, कहाँ से कौन सा सर? अध्यक्ष महोदया के आदेश अनुसार ही ये स्थापित है। आप अध्यक्ष महोदया को बुलवाइए, आप यहाँ पर बात करेंगे उनसे सब लोग। अरे आप सबका मैं एक हफ्ते का समय चाहूंगा सर, क्योंकि सर लोगों को काफी सामान यहाँ है तरीके से व्यवस्थित है। रविवार तक अगले एक हफ्ता है, आज का रविवार है, अगले रविवार कोई बात नहीं, बस शांत रहो। उद्घाटन तो हो गया, आपने बोल दिया तो सर क्या है? हम समझ देते हैं तो सर क्या यहाँ भविष्य में कभी दुकान नहीं लगेगी? अरे यार गलत बात मत करो, मैं यहाँ लगा दू, मेरे को 5 लाख का लोन लेके यहाँ लगा दू, आप बोलोगे 5 लाख का लोन, ये गलत बात सर। हम ये बोल रहे हैं, आपने एक हफ्ते का समय मांगा, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, एक रुपए का भी नुकसान हो। हम एक हफ्ते का आपको समय बिल्कुल देते हैं, आप संडे का बोल रहे हैं, अगले मंडे तक समय दे रहे हैं। आप मंडे तक जो भी डॉक्यूमेंट अगर है आपके पास डॉक्यूमेंट करा लो। अगर आपको लग रहा है कि नगर परिषद से आपको कोई परमिशन लेनी है चौपाटी के लिए, करवा लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर होता नहीं है तो हम आपसे निवेदन करेंगे गैर कानूनी चीज़ों में राजनीति ना करें। आप बार बार एक ही बात मत घुमाओ। अब पहली बार मैं आराम से क्लियर से बता रहा हूँ, जो भी सरकारी जमीन होती है उसके लिए परिषद की कोई भी मीटिंग नहीं होती, बात हो गई। अब बार बार मेरे पास वही मत कोई बात नहीं करो, फिर मुझे ये मत बताओ परिषद की मीटिंग हो जाए, नहीं होती है उसको, क्लियर होगी बात? बात क्लियर हो गई है। अब बार बार मेरे पास यही मत बोलो कि परिषद की मीटिंग होगी, नहीं होगी मीटिंग तो सर उनकी अनुमति से। वार्ड नंबर 7 से पार्षद, क्या एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? ये कार्रवाई इस तरीके से की जा रही है, ना तो परिषद में इसमें बात को रखा गया, ना परिषद से इस बात की अनुमति ली गई, ना मैं इस वार्ड से पार्षद हूँ जिस वार्ड में ये सब स्थापित है, ना मेरे से एक बार इस बारे में जानकारी दी गई, ना मुझसे इस विषय पर चर्चा की गई। ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है सीएमओ के द्वारा। जबकि बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले इन्हीं दुकानों को लेकर परिषद से अनुमति ली गई। बिल्कुल, इस विषय को परिषद में रखा गया था, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदया और परिषद द्वारा इस चौपाटी के निर्माण के लिए अनुमति दी गई थी, पूरी सर्वसम्मति से अनुमति दी गई थी। माननीय पटेरिया जी और माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा ही इनको यहाँ पे स्थापित किया गया था, इनको बोला गया था कि आप यहाँ पे दुकानें रखें। आज यहाँ पर अचानक एक तरफा कार्रवाई करके इन्होंने जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, और हमारी परिषद से एक बार इन्होंने कोई सहमति नहीं ली, ना परिषद में कोई बात रखी। खजुराहो में आज भुखमरी है, यहाँ का आदमी भुखमरी में है, एक एक पैसे के लिए ललायक है, ये एक तरफा कार्रवाई ये जनहितैषी नहीं है। हमें जगह जगह पे अतिक्रमण हुआ है, जनरली जब कार्रवाई होती नहीं है तब 2-3 महीने में अतिक्रमण हो जाता है। अतिक्रमण होने के बाद पिछले 8 दिनों से नगर पंचायत द्वारा लगातार इनको नोटिस दी जा रही थी, और गाड़ी के द्वारा भी बताया जा रहा था कि यहाँ से अतिक्रमण हटा दें। अब इसीलिए हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चालू की है, लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि नगर परिषद से इनके पास परमिशन थी, क्योंकि इनका ये कहना है कि परमिशन थी तो हमने इनको समय दिया है कि ठीक है अगर परमिशन है तो आप परमिशन दिखा दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ से भी फिर से 7 दिन का समय देते हैं, 7 दिन में आप शासन की जगह खाली करेंगे। सर अतिक्रमण इन्हीं का हटा जाएगा, खजुराहो में अन्य लोग उनका भी यहाँ से शुरुआत हुई है, खजुराहो में पूरा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चालू हुई है।